करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो भाई साहब अपने एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, चाचू के फ्रंट है ना, तो आनंद लगा दी मस्त है, मस्ट विजिट है। अगर बड़ो गा रहे हो ना तो चाचू द ढाबा और पराठा हब जरूर आना। पर मौसम ठीक ही रह गया, नहीं ये तो है, यहाँ हवा चल रही है, मस्त हवा चली होगा, नीचे को होनी, नीचे को लू चली होनी। अरे मेरे अब नीचे तो चंडीगढ़ से किसे दिल्ली रोड पे चलते पड़ता है, दिल्ली रोड मतलब सीधा जाना है हमें, ये चंडीगढ़ अंदर कम जाना, बाहर दिल्ली वाले रोड में। अच्छा छोरा हो या छोरी, सबका वोट जरूरी है, इस बार वोट जरूर दे। भाई सफर में गन्ने का जूस पीने का मजा ही कुछ और है। हेलो भाई। ओके, तो कुछ सैंपल लेके हम चल पड़े हैं यहाँ से। अंदर फिल्मिंग अलाउड नहीं थी, बट फिर भी मैंने थोड़ा फ़ोन से मतलब दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह का स्टोर था, वेयर हाउस था इनका। तो सोनू भाई अपने एक फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और वो फैक्ट्री होगी मोमेंटोज़ वगैरह की, और बाकी आगे कुछ ब्रांडेड चीज़ें भी होगी, मतलब अगर आपने लोगोज़ वगैरह बनाने हैं तो वो सारी चीज़ें भी आएगी, पर वो धीरे धीरे काम होगा। और आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि जो मेरे हर वीडियो के पीछे में लोगो दिखता है वो इन्होंने बनाया हुआ है, और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मतलब मर्चेंडाइज अगर करनी है ना तो इनसे करूँगा मैं, टी शर्ट्स वगैरह भी प्रिंट वगैरह करानी है, वो सारी चीज़ें भी आगे फर्दर प्रोग्राम बना रहे हैं। और कमेंट्स में बेस्ट ऑफ लक बोल दो भाई को, क्यों थैंक यू, गर्मी बहुत हो रही है, कुछ खाने चलते हैं, क्यों क्या बोलते हो, जूस पीते हैं कुछ करते हैं, करनाल में बड़ी गर्मी है यार, मतलब शिमला से अगर शिमला में थोड़ी थोड़ी है ना वेदर हो गया था ठीक, बारिश वगैरह भी ठीक ठाक हो गई थी, यहाँ तो बड़े बुरे हाल है यार, यहाँ तो पसीने पसीने निकल रहे हैं। चलो ठीक है, हर एक सिटी का एटमॉस्फेयर देखना चाहिए, क्यों भाई जी, बिल्कुल। और आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? मैं कुछ टिप्पणी अभी तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं खाने के लिए, और बड़ी फैंसी जैसी जगह लग रही है यार ये, यहाँ पे आपका दाना पानी मिलता है आपको, तो सब वे नी हाओ पिज़्ज़ा हट चावलास सब कुछ है यहाँ पे। इतनी गर्मी के बाद एसी में आके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, शिमला जैसी फीलिंग आ रही है। हाँ मतलब हम 800 में बेशक आए हैं लेकिन खाने के लिए फैंसी प्लेस में। अच्छा ये तो हमारा खाना आ चुका है, राजमा चावल, राजमा कहाँ पे है कहीं ना, हाँ है भाई, मेरे को तो पता लग गया कि मेरा इतने राजमा चावल से कुछ नहीं होना, और आपका भी शायद यही कहना है ना, तो अब देखते हैं, अब सब्वे ट्राई करते हैं यार, मैंने आज तक सब्वे ट्राई नहीं किया है कभी, उसका बर्गर देखते हैं कैसा होता है, बर्गर ही बोलते हैं ना भाई अंग्रेजियों में, तो पता नहीं शायद बर्गर ही बोलता हूँ, तो उसको बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, ठीक है उसको भी ऑर्डर करते हैं। ये लो, शायद इससे हो जाएगा आपका काम, तो शायद इससे आपका आपका पेट भर जाएगा, क्योंकि आपके राजमा चावल तो बहुत कम क्वान्टिटी है, इसी बात है। अगर आप मुझसे पूछोगे सबवे कैसा लगा भैया आपको, तो ठीक है बस ठीक है। मतलब ये बात ऐसी है ना, ऑल्टरनेटिव्स बहुत है हमारे पास,
उस वजह से ना ये सिर्फ ठीक है मतलब ठीक है ओके। गार्लिक ब्रेड है और कॉर्न एंड पीस वाला है एक और एक सिंपल आलू टिक्की वाला है। भाई साहब आपको कैसे लगा? ठीक है ठीक है, इनको भी ठीक है लगा। राजमा चावल अच्छे थे पर थोड़ी क्वांटिटी पर ठीक है। एसी के पैसे ले रहे हैं, मतलब 40 रुपये की आपकी राजमा चावल की प्लेट है ठीक है, और 40 रुपये का आपका एसी जो लगा हुआ है ना यहाँ पे हुआ है ओके। मतलब एटमॉस्फेयर अच्छा है खाने के लिए, आराम से पेट भर के खा सकते हैं आप। तो अगर आप अंबाला पीछे है ना, अंबाला तो पीछे रह गया मतलब इस साइड को शिमला वाली साइड को, तो अगर आप दिल्ली जा रहे हो तो यहाँ पे रुक के आप दाना पानी देख सकते हो अपना, यहाँ की जगह का नाम है दाना पानी। तो गुड जी जी। ओह गर्मी आ गई यहाँ पे तो गर्मी 21 किलो हो गए यहाँ पे चले। साहब इतने सीधा सीधा चलने के बाद फाइनली पहाड़ों पे आ गए, ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में आ गए। ठीक है यार, सारी चीज़ें देखनी चाहिए तभी आपको वैल्यू होती है, आप किस कंफर्ट में हो, आपको सब कुछ देना पड़ता है। नीचे ऐसी गर्मी तगड़े वाले हो, यहाँ पे क्या चिल्ड हवा चलेंगे। चाय टू द रेस्क्यू, कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा यार, आज का सफर बहुत सब सफर है अच्छा रहा। बेरहम गर्मी में मज़ा आ गया, अब यहाँ पे ठंड हो रही है उसमें मज़ा आ रहा, और चाय में मज़ा आ रहा है, बहुत सही चाय है। बाकी बताओ कैसी लगी वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक मार दो, अगर नहीं लगी है तो तुमको पता है कि क्या करना है, और कमेंट्स डालो कमेंट्स क्या क्या है, और इनको विश करो कि इनका रोज़गार क्या, 4 दिन चुकन्नी क्या था वो, और हाँ दिन दुगनी रात चौगनी। तो ज़्यादा नहीं बोलता हूँ मैं थोड़ा सा यू नो अभी सिर भारी हुआ है। चलो ठीक है फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलता हूँ ओके। बाय 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 बाय, सोनू की तरफ से बाय बाय, मेरी तरफ से बाय बाय।